सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत नशीली दवाई की स्मगलिंग करते हुए सुपेला पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों द्वारा नशीली दवाइयों को शहर में बेचकर युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कार्यवाही जारी है। सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा नशे के संबंध में खास करके जो नशीली गोलियां दवाई इस तरीके के नशे हैं, ऐसे नशों के संबंध में जीरो टॉलरेंस रखने की के निर्देश सभी थाना प्रभारी को दिए गए थे। इसके तारतम्य में सुपेला पुलिस के द्वारा एक स्पेशल टीम बनाई गई थी इस संबंध में कि जो भी ये नशे की जो सामग्रियाँ हैं बिक्री खरीदी की जाती है उसके संबंध में जो सौदागर हैं इसके तस्कर जो हैं उनके बारे में पता किया जाए। पिछले कुछ दिनों से टीम लगातार इस संबंध में सूचनाएं हम लोग को मिल रही थी, काफ़ी दिनों से इसमें लगे हुए थे। एक लॉन्ग मेहनत के बाद पे पुलिस को उसमें सफलता मिली है, बड़ी सफलता मिली है। दो अलग अलग मामलों में पुलिस ने बड़ी मात्रा में करीब 17,000 के आसपास के टैबलेट्स जो नशीली दवाइयाँ हैं दो अलग अलग आरोपियों से बरामद किए हैं। जो कल पिछली कार्रवाई थी उसमें परसों की कार्रवाई है उसमें पुलिस ने एक आरोपी है अलीम करके आरोपी जो हिड़को का रहने वाला है उससे करीब 9,000 से ऊपर नशीली टैबलेट्स बरामद करने में सफलता पाई थी। और इसी तरीके से आज जो कार्रवाई पुलिस कर रही है इसमें एक आरोपी है जियाउली जो रहने वाला सुभाष नगर पद्मापुर का है और इससे पुलिस ने करीब 7,000 से ऊपर नशीली दवाइयाँ जो हैं वो बरामद करने में सफलता मिली है। दोनों के विरुद्ध में धारा 821 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करके पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ जारी है, पूछताछ में कुछ इनके अंतर्राज्यीय लिंक पुलिस को मिल रहे हैं जिस पर भी पुलिस काम कर रही है। बहुत जल्दी ये पूरा जो रैकेट है वो पुलिस ध्वस्त करने में सफल हो जाएगी। सर किनको बेचते थे दवाई? ये जो दोनों आरोपी हैं जिनका मैंने नाम बताया ये दोनों बड़े आरोपी हैं, बड़े सप्लायर हैं। इनके माध्यम से ये कुछ छोटे छोटे लोगों को बॉक्सेस में दवा वगैरह देके वो अपने लोकल मोहल्ले लेवल में बेचते थे। उन पर भी कार्रवाई चल रही है, उन पर कार्रवाइयाँ होती रहती हैं लेकिन मेन जो इनका जो सोर्स ये जो दुर्ग जिले में जो सोर्स बने हुए थे ये दोनों थे जिसको पुलिस ने पकड़ के कार्रवाई कर लिया।